स्वदेशी स्टार्टअप इसका मुख्य आधार और विषय वस्तु क्या है, मैं इसके लिए दिल्ली और हरियाणा के संगठक श्री कमल जीत जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। वो इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देंगे। धन्यवाद प्रवीण जी। आदरणीय मंच, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथि एवं युवा स्टार्टअप भाइयों बहनों, मैं स्टार्टअप्स के आधार की बात तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन स्टार्टअप्स चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, रोजगार चाहिए और ये देश जैसे सोने की चिड़िया कहलाया, विश्वगुरु कहलाया, वैसी दिशा ये फिर से प्राप्त कर सके, इस भावना से हम सब मिलकर के फिर से दुनिया को कोई दिशा दे सके, कोई भूखा ना रहे, कोई बिना छत के ना रहे और कोई बिना रोजगार के ना रहे। उस दृष्टि से जो एक अंग्रेज ने दुष्प्रथा देश में स्थापित करी, कोई छोटी मोटी डिग्री ले आइए, सर्टिफिकेट ले आइए, कभी आठवीं पास को नौकरी मिलती थी, फिर दसवीं बारहवीं पास को नौकरी मिलती थी, अब एमबीए और एमसीए भी नौकरी के लिए घूमते हैं इधर उधर, तो बहुत ख़राब सा लगता है। हम नौकरी मांगने वाले ना रहें, हम देने वाले बन सकें। ये जो स्टार्टअप की स्पिरिट है, एंटरप्रेन्योर की भावना है, उसके आधार पे और किस प्रकार का क्रेज, जैसी संख्या में यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है, हमने सोचा था कि ऊपर का हॉल उपयोग शायद नहीं आएगा, लेकिन ऊपर तक भी बंधु पहुँचे हैं, तो ये सब स्वागत योग्य है। तो इस स्पिरिट को हम बनाए रखेंगे। स्वदेशी स्टार्टअप भी एक स्टार्टअप है, तो भी प्रयास किया है कि भारत के और दिल्ली के जो बेस्ट अवेलेबल मेंटोर्स हो सकते हैं, हमारे गाइड हो सकते हैं, जो हमें दिशा दे सकते हैं, हमारे साथ हैंड होल्डिंग कर सकते हैं। श्री अमित दुबे बैठे हैं साथ में, पीके मिश्रा जी हैं, बहुत नए नए प्रकार से करने वाले लोग अपने बीच में यहाँ उपस्थित हैं। तो कुछ लोगों के मन में होगा कि मेरी स्क्रीनिंग हुई है, मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, या मेरा नंबर कब आएगा, तो चिंता नहीं करिए, नंबर सबका आएगा। आपके पास संपर्क सूत्र आए हैं। आज का कार्यक्रम ये अंतिम कार्यक्रम नहीं, एक शुरुआत है, तो हम सब जुड़ेंगे, साथ चलेंगे और फिर से देश को भव्य दिव्य बनाएंगे, ऐसी शुभकामना देता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।